नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में, हूं आपके साथ शिवानी पांडे। जब कोई ऐसे व्यक्ति की मौत हो जाती है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, तो उसे आखिरी बार देखना और उसे पूरे सम्मान के साथ विदा करना आपके लिए सबसे ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कोरोना वायरस की महामारी के कारण अपने प्रियजन को अंतिम विदाई देने का मौका इटली के सभी लोगों के पास से छिन गया है। ये एक तरह से मृतक को दिए जाने वाले सम्मान छीनने और परिवार के लोगों का दुख बढ़ाने जैसा है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए इटली ने एक आपातकालीन राष्ट्रीय कानून लागू किया है, जिसके तहत जनाजा निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रोमन कैथोलिक मूल्यों को मानने वाले किसी देश के लिए यह अभूतपूर्व है। दिन में कम से कम एक बार ऐसा होता है जब सेराटो किसी शव को दफनाते हैं और कोई भी प्रियजन आसपास नहीं दिखता, क्योंकि हर कोई क्वारंटीन में है। इटली में स्थिति फिलहाल ऐसी है जहां मुर्दा घर शवों से भर गए हैं और मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ 23 मार्च के बाद से अब तक कोरोना वायरस के कारण 6000 लोगों की मौत हो चुकी है, जो किसी भी देश से अधिक है। उत्तरी इटली में अस्पतालों के मुर्दा घर शवों से भर गए हैं, एक के बाद एक ताबूत चर्च में आ रहे हैं। इटली में सबसे अधिक मामले बर्गेमो में दर्ज हैं, जहां मदद के लिए सेना को बुलाना पड़ा है। यहाँ शहर के सभी कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ रही है। पिछले हफ्ते एक रात सेना के ट्रकों में 70 से अधिक ताबूतों को शहर की गलियों से होते निकाला गया। वाकई इटली में अब तक सबसे ज्यादा मौतें हुई है, जहां कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से होती है और इटली पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है, जहां अब भी हजारों की संख्या में लोग रोज मर रहे हैं। इसी के साथ आप देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।